हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और ये है एप्सन N1810। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को ये प्रिंटर खरीदना चाहिए, किन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए, इस प्रिंटर की खास बातें क्या है, इस प्रिंटर की लिमिटेशन क्या है और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस प्रिंटर की काबिलियत यूज करते हुए अपने बिजनेस की कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर्स को शायद एक बेटर सर्विस दे सकते हैं, कैसे आप कॉम्पिटिशन के साथ तालमेल बिठा सकते हैं या फिर अपने से कई बड़े बिजनेसेस जैसे फोटो लैब्स के साथ कदम मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप समझते हैं कि किन लोगों के लिए या फिर किस बिजनेस के लिए ये प्रिंटर काम का है। मेरे नॉलेज में ये प्रिंटर एक फोटो स्टूडियो, एक फोटो फ्रेम वाले बिजनेस के लिए, एक छोटे लैब के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं आपको ये प्रिंटर परचेस करना ही चाहिए, ये आपके बहुत फायदे आएगा। साथ ही साथ अगर आप फैशन इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं जहां पे आपको अपने डिजाइन्स का बहुत ही अच्छा और हाई क्वालिटी प्रिंट करना है तो ये प्रिंटर आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आपकी कोई डिजाइनिंग शॉप है, ब्रांड बनाने वाली या फिर ब्रांडिंग करने के लिए आपने कोई अलग डिजाइन एजेंसी बना के रखी, उसके साथ साथ अगर आप बस एक रेगुलर एजेंसी है जो कंपनीज को बहुत सारे प्रूफ्स आपको देने पड़ते हैं प्रोडक्शंस में जाने से पहले, तो ये प्रिंटर आपके काम का है। प्रिंटर कॉस्टली है, इसीलिए ये हमें जानना जरूरी है कि ये प्रिंटर आपके काम का है या नहीं, इसीलिए ये हमारे वीडियो का फर्स्ट सेक्शन है। इसके बाद मैं बताता हूं कि मेरे हिसाब से ये प्रिंटर किसके काम का शायद नहीं है। अगर आपका एक ज़ेरॉक्स शॉप है या फिर एक डिजिटल शॉप है या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हो जहाँ पे आपको धड़ाधड़ प्रिंट चाहिए या फिर आपका एक नॉर्मल होम यूजेज के लिए आप प्रिंटर ढूंढ रहे हो तो ये प्रिंटर आपके काम का नहीं है। सॉरी, अगर आपका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है या फिर एक ऑफिस एनवायरनमेंट है जहाँ आपको ऑफिस के प्रोडक्ट्स या फिर प्रिंट करने के लिए आपको एक A3 साइज प्रिंटर चाहिए तो ये प्रिंटर बिल्कुल भी काम का नहीं है आपका। आपको कोई दूसरा प्रिंटर परचेस करने का, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ किस बिजनेस को या फिर किस पर्सन को ये प्रिंटर मेरे हिसाब से लेना चाहिए और किसे इन्हें अवॉइड करना चाहिए। मैंने आपको लोकेशन बता तो दिया किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रिंटर की खास बात क्या है। इस प्रिंटर की खास बात यह है कि ये एक इंक टैंक या फिर इको टैंक प्रिंटर है जिसके कारण इसके अंदर इंक लगती है या फिर कार्ट्रिज जो बोलते हैं वो इंक का होता है। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है फोटो स्टूडियो के वर्क के लिए। फोटो स्टूडियो के वर्क के लिए तो हमारे पास इससे पहले कई सारे प्रिंटर्स हैं जैसे L805, 1800, 1300। इसके अंदर क्या खास है, इसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर आपको ब्लैक कलर के ही अकेले 3 शेड मिलते हैं और साथ ही साथ CMYK के 3 इंक मिलते हैं। CMYK तो हमने बहुत सुना था, ये हो गया CMYK, ये तो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट इसके अंदर दो अलग कलर आते हैं, प्योर ब्लैक एंड ग्रे। तो क्योंकि ये एक 6 कलर प्रिंटर है तो बाय डिफॉल्ट इसकी फोटो स्टूडियो क्वालिटी या फिर इसको फोटो प्रिंट क्वालिटी बहुत शानदार आएगी। बट ये 6 कलर प्रिंटर जरूर है, इसके अंदर LM नहीं है, यानी लाइट सियान लाइट मेजेंटा नहीं है, इसके अंदर है प्योर ब्लैक एंड ग्रे। केवल ब्लैक के इसके अंदर 3 शेड है, ये इसका एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये इसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस प्रिंटर का, जिसके कारण एक हमें क्लियर डिवीजन मिल जाता है किसे इसे लेना चाहिए किसे इसे नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक कलर के 3 शेड कौन देता है, क्यों देता है, कब देता है। देखिए, जब आप ब्लैक कलर के 3 शेड देते हो तो आपके 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि जब आप ग्रे कलर का या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जब आप पोर्ट्रेट इसमें प्रिंट करोगे या फिर नॉर्मल ब्लैक प्रिंट भी करोगे तो वो जो डेप्थ होगी ब्लैक कलर की बहुत ही अच्छी होगी, सुंदर होगी। दूसरा, जब आप किसी का फेस पोर्ट्रेट प्रिंट कर रहे हो या कोई सीनरी प्रिंट कर रहे हो या फिर किसी बिल्डिंग का एलिवेशन प्रिंट कर रहे हो या फिर जो गुजर जाते हैं हमारे बड़े उनका आप उनके लिए फोटो फ्रेम प्रिंट कर रहे हो तब उसके अंदर बहुत ही लाइफ लाइक फोटो का रेजोल्यूशन आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक आ गया तो ब्लैक आने से जो दूसरे कलर्स हैं उनकी डेप्थ
बढ़ जाती है। ब्लैक अगर ना हो तो कलर के अंदर, फोटो के अंदर डेप्थ नहीं आती, ये काम ब्लैक कलर देता है और ब्लैक के हमें 3 शेड मिल गए हैं। एक और फायदा इसका ये है, जब आप प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे ब्लैक कलर की जो इंक है वो सबसे आई वुड से 40-50% ब्लैक कलर की इंक इस्तेमाल होती है किसी कलर प्रिंट में भी। तो जब आपके पास 3 कलर के ब्लैक इंक है तो उस कलर का एफिशिएंट यूज होगा। कहीं आपको डार्क प्रिंट करना है तो वहां प्योर ब्लैक की इंक ऑटोमेटिक यूज हो जाएगी। कहीं आपको लाइट ग्रे प्रिंट करना है, शेड्स प्रिंट करने हैं, शेडोज प्रिंट करने हैं, किसी के फेशियल फीचर्स हैं, कहीं किसी के बाल है, किसी के ग्रे बाल है, तो वहां पे जो कलर मैचिंग होती है परफेक्ट होती है। जनरल प्रिंटर्स में क्या होता है, CMYK होता है, 4 कलर होते हैं, इन 4 कलर की ही मिक्सिंग से हजारों कलर बनाए जाते हैं। जब आपके पास 6 कलर आ जाते हैं तो और भी ज्यादा 1000+ और 1000 मान लीजिए 2000 कलर्स प्रिंट हो रहे हैं, तो उनकी जो डेप्थ है, गहराई है, डिटेल है, कहीं अगर जो बड़े होते हैं उनके अगर चेहरों पे कोई छोटी सी झुरियां हैं, कोई छोटा सा मार्क है, तो वो भी एकदम सटली आराम से ढंग से अच्छे से प्रिंट होके आता है। अगर आप फोटो को नजदीक से भी देखें तो भी आपको वो डिटेल्स लाइफ लाइक दिखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जब आप फोटो फ्रेम, फोटो स्टूडियो का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सारे फीचर्स बहुत जरूरी हैं एक अच्छा प्रिंट लाने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहा है आदमी, ये तो 1800 1300 जैसा प्रिंटर जो कि 4 कलर का प्रिंटर है वो भी बहुत ही शानदार प्रिंट देता है, हमें 6 कलर की क्या जरूरत है। जरूरत इसीलिए है क्योंकि जब आप अपना नॉर्मल फोटो प्रिंट कंपेयर करते हैं किसी लैब के प्रिंट आउट से, जैसे साउथ इंडिया में आप देखें तो आकृति नाम से बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, सिटी कलर लैब जैसे बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, और भी कई सारे बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, उनके पास होती है करोड़ों लाखों की एक बड़ी मशीन जिसे हम फोटो लैब कहते हैं, और वहाँ पे वो फोटो फ्रेम्स बनाते हैं, वेडिंग के जो फोटो एल्बम्स होते हैं वो प्रिंट करते हैं, HP इंडिगो जो आप बहुत फेमस एक प्रिंटर है, हर जगह आजकल हर सिटी में एस्टैब्लिश होता है, सिटीज में होता है, गांव में नहीं होता, विलेज में नहीं होता ये प्रिंटर, क्योंकि वो करोड़ों की लागत लगती है उसमें, इट इज़ वेरी कॉस्टली दोस बिग प्रिंटर्स। सो इन ऑर्डर टू चैलेंज दैट बिग प्रिंटर, उस बड़े प्रिंटर को आप चैलेंज नहीं कर सकते अपने छोटे प्रिंटर से, बट उसके आसपास उसके नजदीकी क्वालिटी तो ला सकते हो ना, ये प्रिंटर उस चीज के लिए बना है। तो अगर आप ये प्रिंटर ले रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप एक फोटो स्टूडियो और एक फोटो लैब के बीच में बैठे हैं, आप एक मिनी फोटो लैब बन गए हैं जहां पे आप लो वॉल्यूम मतलब कम क्वांटिटी के प्रिंट्स हर दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंटर इंकजेट है तो स्लो ही होगा, मान के चलिए स्लो ही होगा, और ये जो प्रिंटर है इसकी प्राइस पॉइंट जो है एक बहुत ही कम प्राइस पॉइंट में है, मतलब बिटवीन 40,000 to 50,000 रेंज के अंदर आपको ये प्रिंटर मिल जाता है। वहीं अगर आप फोटो लैब के पास जाएं तो वो लाखों रुपए का प्रिंटर होता है और उसकी मेंटेनेंस हर साल लगती है, हर महीने लगती है, इसके अंदर वो सब कहानी है भी। तो अगर आपका कोई छोटा गाँव है, छोटा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आप सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हैदराबाद की बात करता हूँ, हैदराबाद के अंदर यहाँ पे एक बड़ा अड्डा हो गया सिकंदराबाद, नामपल्ली, खैरताबाद, ये सब बड़े अड्डे हो गए, और अगर आप कहीं आउटस्कर्ट्स में रहते हो, आप मान लीजिए कहीं शिवरामपल्ली या फिर कहीं जीडी मटला या फिर कहीं और दूर रहते हो, और सारे जो बड़े प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो आपसे दूर हैं, जिसके कारण आप अपना फोटो स्टूडियो और फोटो फ्रेम कस्टमर को प्रिंट करके देने में आपको लेट हो रहा है, तो आप ये प्रिंटर लेने के बारे में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, आपको वहां वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्वालिटी और कंट्रोल आपके पास में है, दूसरा आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकते हो, क्योंकि आप उन्हें बोल सकते हो सर 10 मिनट में आ जाइए, प्रिंट रेडी रहेगा, आपका फोटो फ्रेम बना के रख दूंगा, आपका फोटो का पूरा एडिटिंग करके आपको सैंपल प्रूफ प्रिंट दे दूंगा, तो इस तरह से आप ये पूरा काम कर सकते हो। वहीं अगर आप फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई डिजाइन एजेंसी है आपकी, मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपके कस्टमर्स को आपको प्रिंट करके सैंपल और प्रूफिंग दिखानी पड़ती है, उसके लिए आप जाओगे मार्केट में, देते हैं डिजिटल प्रेस से 1319 का लेजर पे प्रिंट आउट लेके आ जाओगे, पर उसके अंदर उतनी डेप्थ नहीं आती, तो वही ये प्रिंटर आप लेके अपने ऑफिस के अंदर ही अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करते हुए प्रिंट कर दीजिए और कस्टमर को शानदार प्रिंट दिखाइए, ग्लॉजी में, मैट में, कैनवस में, और भी कई जैसे अपना सुपर ब्राइट शीट होता है, मोबाइल स्टिकर होता है वो भी आप इसमें प्रिंट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट स्टिकर होता है, ट्रांसपेरेंट पेपर होता है वो आप इसमें प्रिंट कीजिए, फोटो स्टिकर होता है, 130 GSM स्टिकर होता है, 170 GSM स्टिकर होता है वो भी आप इसमें प्रिंट कीजिए, कोई दिक्कत का काम नहीं है। इसके अलावा आप इसके अंदर अगर एक्सरे फिल्म है वो भी आप चाहो तो इसमें प्रिंट कर सकते हो, बट इसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता इसमें प्रिंट करके, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग और ऑडियंस मैच नहीं होगी।
इसके अलावा नॉर्मल फोटो पेपर जो कि 270 जीएसएम का होता है वो तो आप इसके अंदर आराम से प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इस प्रिंटर की खास बात क्या है और इस खास बात का फायदा उठाते हुए आप क्या क्या बिजनेस कैप्चर कर सकते हो और दूसरे कस्टमर को कैसे सर्विस दे सकते हो, फास्ट डिलीवरी, फास्ट सैम्पलिंग एंड कस्टमर की जो सर्विस लेवल है आप बढ़ा सकते हो। ये सारे यूनिक फीचर्स हैं इस प्रिंटर के। इसके इस प्रिंटर के कॉमन फीचर्स हैं वो हम एंड में बात करेंगे। तो यूनिक फीचर्स मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रिंटर की नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। नेगेटिव पॉइंट इस प्रिंटर के बारे में ये है, क्योंकि ये इंक टैंक है या इंक जेट है, ये प्रिंटर बाय डिफॉल्ट स्लो प्रिंट होगा। इसके अंदर अगर आप ड्यूप्लेक्स प्रिंट कर रहे हो तो आप इसके अंदर, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर 200 जीएसएम का ड्यूप्लेक्स प्रिंट करो। आप इसके अंदर 70 जीएसएम या फिर 100 जीएसएम का ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग आप इसके अंदर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्योंकि ये प्रिंटर स्लो है तो हो सकता है कि आपके जो बल्क वर्क है, मान लीजिए आपको आज 1000 फ्रेम का ऑर्डर आता है और आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 2 या 3 दिन का टाइम है, तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि प्रिंट स्लो है तो आगे का प्रोडक्शन भी स्लो होगा। तो आप ऐसा सोचिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर अगर जो छोटे कस्टमर्स आते हैं, जो छोटा ऑर्डर्स लेके आते हैं, या जो रेगुलर कस्टमर है जिनके हमेशा 1 या 2 फ्रेम्स के ऑर्डर रहते हैं, वो आप इसके अंदर निकाल दीजिए। अगर आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है 1000 फ्रेम का, 500 फ्रेम का, 300 फ्रेम का, और वो बंदा आपको सिर्फ टाइम दे रहा है 2-3 दिन का, तो आप क्या कीजिए, आपके नज़दीकी जो भी बड़ा फोटो लैब होगा या फोटो प्रेस होगा वहाँ जाइए, वहाँ से प्रिंटआउट निकलवा लीजिए और उसके बाद आपका जो काम करना है वो आप करते रहिए। इससे क्या होगा, आपके अगर जो मार्जिन वाला बिजनेस होता है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, जो छोटे कस्टमर्स होते हैं वो प्रॉफिट देते हैं, जो बड़े कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ काम देते हैं, प्रॉफिट नहीं देते, क्योंकि मार्जिन कम होता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है बड़े ऑर्डर में। तो वो ऑर्डर आप बाहर से करवा लीजिए और आधा काम जो फिटिंग का काम है फ्रेम का वो आप खुद कर लीजिए, और जो बड़ा ऑर्डर है वो तो बात कर रहे हो, छोटा ऑर्डर आप खुद कर रहे हो। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि इसकी लिमिटेशन को आपको कैसे ओवरकम करना है। अब बात करते हैं इस प्रिंटर के बेसिक रेगुलर जनरल फीचर्स के बारे में। देखिए, जनरल फीचर्स और रेगुलर फीचर्स आपको कंपनी की वेबसाइट में मिल जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको एक क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ। ये प्रिंटर इंक टैंक या इंकजेट है, इको टैंक भी आप इसे बोल लो, और इसके अंदर क्या है, क्लैरियो ईटी प्रीमियम नाम से एक इंक है, जो कि थोड़ी महंगी इंक होती है कंपेयर टू अदर नॉर्मल इंक्स। क्वालिटी भी वैसी आती है, वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है। पीछे की तरफ आप 3019 का पेपर डाल सकते हो, आगे की तरफ इसमें 2 ट्रे दी गई है जिसके अंदर आई थिंक 50 पेज और 100 पेज की कैपेसिटी होती है। इसके अंदर आप 4x6, 9x12, 8x12, A4, 1218, A3 इजिली प्रिंट कर सकते हो। फ्रॉम 4x6 टू 1218 यू कैन डू इजिली प्रिंटिंग, ओके। एंड इसके अंदर आपको स्कैनर भी मिलता है, इसके अंदर आपको ड्यूप्लेक्स प्रिंट भी मिलता है। साथ ही साथ इस प्रिंटर के अंदर आपको एक टच स्क्रीन भी दिया गया हुआ है, जिसके अंदर आप अपने आसानी से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको प्रिंटर का किस तरह से क्वालिटी सेट करना है, पेपर का साइज सेट करना है, ट्रे का इनपुट सेट करना है। तो यू ऑल्सो हैव एन LCD, बट अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप ये सारे फीचर्स बिना LCD को टच किए हुए भी लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हो। एक और इस प्रिंटर के बारे में एक छोटी सी वार्निंग, इनफैक्ट किसी भी एक नॉर्मल, मैं कहूँगा इंकजेट प्रिंटर के लिए एक चीज़ होती है मेंटेनेंस साइकिल, या फिर होता क्या है, देखिए बेसिकली समझिए बात को, कि जब आप प्रिंटर के अंदर प्रिंट करते हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं इंक, और इंक जो होती है जैसे जैसे हवा लगती है, हवा से इसका इंट्रैक्शन होता है, तो ये धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो होने से क्या होता है कि प्रिंटर का जो नोजल होता है, जो पाइप होता है या जो हेड होता है वो ब्लॉक हो जाता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रिंटर का हेड ब्लॉक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हर 3 दिन में आपको एक बार एक नॉर्मल पेपर प्रिंट आउट करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 3 दिन में एक प्रिंट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इट इज़ वेरी इजी, मतलब आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बट आपके ध्यान होना चाहिए कि हर 3 दिन में कम से कम एक प्रिंट आउट निकले, चाहे आपके पास ऑर्डर आए या ना आए। अगर मान लीजिए ऑर्डर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर ना आया तो क्या करो, आप अपना विजिटिंग कार्ड इस पे प्रिंट कर दो। पेपर लग तो रहा है, इंक तो लगती रही है, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करो, कटिंग करो, और वही उसको पेपर जुगाड़ के लिए कुछ और दूसरे डिजाइन प्रिंट करते हो, या फिर अपने कोई फ्रेंड्स या फैमिली के लिए गिफ्ट करने के लिए कुछ आप नॉर्मल प्रिंट कर दीजिए, या फिर आपका कोई पुराना कस्टमर हो तो उसके लिए एक फ्री प्रिंट आउट, उसका पुराना कोई डिजाइन का फ्री प्रिंट आउट उठा के उसे दे दीजिए, वो भी खुश और आपका भी काम सरल गया। तो इस तरह से बस एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, 10-15 दिन की छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो उस केस में जब आप रिटर्न आए तो आप एक बार प्रिंट करके देखिए, अगर प्रिंट आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप इसके ऊपर हेड क्लीनिंग का एक ऑप्शन होता है वो आप कर सकते हो,
या फिर एक पावर फ्लश नाम से एक ऑप्शन होता है, वो कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है एप्सन का एक सर्विस सेंटर होता है, उन्हें फोन करके पूछ लीजिए सर मैं 4 दिन या 10 दिन के बाद प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे प्रिंटर के अंदर कुछ सेटिंग चेंज करनी है क्या ताकि नॉजल फ्री हो जाए, तो आपको सेटिंग्स बता देंगे, वो सेटिंग आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। एंड ये था इस प्रिंटर के बारे में टोटल टेक्निकल नॉलेज मेरे हिसाब से। बाकी इस प्रिंटर के अंदर काफ़ी सारे छोटे 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 फीचर्स हैं, जैसे जब आप इसके अंदर पेपर प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रे बाहर आ जाती है, तो ये फीचर हमने देखा था हमारे पुराने वीडियो में एप्सन का L14150 और हमने एक और रिव्यू कर रखा था एप्सन का L15150 प्रिंटर। तो ये जो बड़े प्रिंटर्स हैं उसके अंदर भी ट्रे ऑटोमेटिक बाहर आती थी, इसके अंदर भी ट्रे ऑटोमेटिक बाहर आती है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। फीचर तो खैर इट्स जस्ट अ फीचर, इतना कोई प्रैक्टिकल आपको यूज आएगा नहीं, बट एक फीचर है तो मैंने आपको बता दिया। बाकी और काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स है, जैसे इसके अंदर वाईफाई का एक ऑप्शन है, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड हो या आईफोन हो तो आप कंपनी का एप्सन का एक आईप्रिंट नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपने प्रिंटर और अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए और कहीं से भी बैठे बैठे अपना आराम से मोबाइल से इसे प्रिंट कर दीजिए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। कई बार कस्टमर क्या होता है मोबाइल से फोटो खींच लेता है और उसके पास ईमेल नहीं होता, उसको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता और वो बस बोल देता है कि सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ इसका प्रिंट कर दीजिए, तो आप फिर व्हाट्सएप से फिर अपने लैपटॉप पे ट्रांसफर करते हैं, फिर वहाँ से अपने लैपटॉप से इसमें प्रिंट करते हैं, उसकी झमेले में ना पड़ के सीधा अपना मोबाइल ओपन कीजिए और मोबाइल से कंपनी का ऐप ओपन कीजिए, एप्सन आई प्रिंट आई थिंक उसका नाम है, वो ओपन कीजिए और वहीं से डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए, तो आपके 2-3 मिनट बस जाते हैं। क्योंकि अगर आपका बिजनेस जेरॉक्स शॉप का फोटो स्टूडियो का हो तो शायद आप ऑलरेडी बिजी होते हैं दूसरे कामों में, ये छोटे मोटे काम में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा शोरूम, ये रही कुछ कोल्ड लैमिनेशन मशीन एंड कोल्ड लैमिनेशन फिल्म, ये हैं कुछ सब्लिमेशन प्रिंटिंग के मशीन मटेरियल एंड बिग साइज सब्लिमेशन मशीन्स, टी शर्ट सब्लिमेशन मशीन, मोबाइल का बैक कवर प्रिंट करने के लिए मशीन, ये है मग प्रिंट करने की मशीन और ये है हमारी A3 साइज टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन और ये हैं कुछ सैटिन रोल्स और ये है हमारा एक इंकजेट में प्रिंट होने वाले ये कुछ स्पेशल इंकजेट मीडिया है, जैसे LED फ्रेम, एक्सरे फिल्म, AP स्टिकर, नॉन टेरेबल स्टिकर, फोटो स्टिकर, ID कार्ड पेपर जिसे AP फिल्म कहा जाता है, फिर ये सुपर ब्राइट पेपर जो LED फ्रेम्स बनाने के लिए काम आता है, फिर है हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंट स्टिकर, ये हमारा मोबाइल स्टिकर, ये है विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने के लिए शीट और ये है हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट शीट। एंड इसके अलावा हमारे पास और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कैलेंडर बनाने के मशीन्स हैं, कोम बाइंडिंग, स्पायरल बाइंडिंग, वायरो बाइंडिंग, स्टेपलर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पायरल बाइंडिंग मशीन, उसके साथ साथ पेपर्स के अंदर हमारे पास अराउंड 20 वराइटीज़ है। सिमिलरली हमारे पास कोल्ड लैमिनेशन अवेलेबल है इन रोल फॉर्म एंड इन A4 कट पीसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हमारे पास मिल जाएगा अलग अलग तरह के लैमिनेशन फिल्म्स, लैमिनेशन रोल्स, गोल्डन फॉइल रोल्स, बैच मेकिंग मशीन्स, विजिटिंग कार्ड लैमिनेशन मशीन, एंड अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हो तो फेसबुक अमेजोन के लिए प्रिंट करने के लिए या फिर MRP प्रिंट करने के लिए हमारे पास अलग से प्रिंटर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी ID कार्ड की एक्सेसरीज है, कटिंग मशीन, क्रीजिंग मशीन्स हैं एंड ऐसे एंडलेस है, 200 मशीन है, पूरे नाम बताते बताते मैं थक जाऊंगा। तो आप अगर जब भी मिले आप हमारे शोरूम को विज़िट करें और इजी EMI ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, मशीन्स अवेलेबल हैं, टेक्निकल नॉलेज के लिए तो बैठे ही हैं। तो जब भी मौका मिले प्लीज़ डू विज़िट अस एंड अगर आप हमसे ऑर्डर करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमें विज़िट कर सकते हैं हमारे शोरूम में जो कि एस्टैब्लिश्ड है इन सिकंदराबाद, हैदराबाद सिटी, तेलंगाना। थैंक यू, मैं हूँ अभिषेक जैन, बाय बाय।